ভোট এলেই বিজেপির আর অন্য কোনো ইস্যু থাকে না। অরুণাচলে ভারতের সীমা অসুরক্ষিত, মানুষকে বিভ্রান্ত করতে সিএএ নিয়ে সোচ্চার কেন্দ্র। কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রায় মহারাষ্ট্রের বুলদানায় সাংবাদিক বৈঠকে মহারাষ্ট্রের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নানা পাটোলের নিশানায় কেন্দ্র। हालात बने हुए थे, अब गुजरात में आनंद और महसाना में जो सीए की बात छेड़ी गई और पूरे 29 जो स्टेट है, 29 स्टेट में नहीं, 29 डिस्ट्रिक्ट में ये फैलाने की बात की जा रही है। देखो, जब भी इलेक्शन लगते हैं तो बीजेपी के पास दूसरा इशू नहीं रहता। जो मूल इशू क्या है आज अपने देश के सामने, अरुणाचल में हमारी सीमा असुरक्षित हो, चाइना ने हमारे उस पर कब्जा कर लिया, वो बात सामने नहीं आने देना है। भय, भूख और भ्रष्टाचार जिस तरह से केंद्र सरकार ने फैलाई, जिसकी बात लोगों तक पहुंचना नहीं चाहिए, इसलिए सीए की बात सामने लाई जाती है। आपस में लड़ाने का जो मकसद होता है बीजेपी उसमें, लेकिन अब जनता ये समझ गई है। आपको पता है कि जिस समय में 2019 में चुनाव शुरू हुए तब हमारे आप कश्मीर में बॉम्ब स्फोट करवा कर हमारे कई फौजी वहां पे शहीद हुए, सीबीआई को चौकसी दी है, क्यों नहीं अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं आया? क्या है, किसने करवाया? नागपुर से उसकी बारूद गई थी, उसका रिपोर्ट मिला था, लेकिन कौन थे वो, कैसे थे, क्यों नहीं उसका यह आया? ये सब घटना से लोगों को अवगत हो चुका है कि बीजेपी जब भी इलेक्शन आते तो मूल इशू को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की कोशिश करती है। अब गुजरात में जो भी कुछ करे उसका कोई फर्क वहां पे नहीं होगा, गुजरात में कांग्रेस ही जीतेंगे और बहुमत से जीतेंगे।